सीएसआईआर सीरी और एक निजी इंस्टीट्यूट की ओर से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर आज जयपुर में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर सीरी के निदेशक डॉ पीसी पंचारिया, सीनियर साइंटिस्ट विजय चैटर्जी, निजी संस्थान के निदेशक डॉ बीलाल गुप्ता ने इस मौके पर बच्चों को रिसर्च के तौर तरीकों के बारे में बताया। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के दौरान चक्र शक्ति कार्यक्रम भी लॉन्च किया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बाइक के बारे में भी ट्रेनिंग दी गई। इससे बड़ी संख्या में युवाओं को लाभ मिलेगा। हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे को हम अलग अलग प्रकार के स्किल डेवलपमेंट, जैसे हमारे स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनको, कॉलेज के बच्चे हैं उनको, टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे डेवलप की जाती है, वो कैसे प्रोडक्ट बनता है, मार्केट में कैसे आता है, इसकी हम ट्रेनिंग देते हैं। उनका जो ओवरव्यू होता है वो होता है, जैसे हमारे यहाँ संस्थान में अलग अलग टाइप के, जैसे ई ट्राइसिकल है, ई बाइक है, उसकी जो टेक्नोलॉजी हमारे संस्थान ने डेवलप किया था उनका भी स्किल हम आज हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको देंगे। आज जिज्ञासा प्रोग्राम के तहत हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मना रहे हैं, जिसके तहत जयपुर के विभिन्न स्कूलों से लगभग 150 बच्चे हमारे परिसर में आए हैं। उन्हें हम अपने रिसर्च तौर तरीके और क्यों हम रिसर्च कर रहे हैं इसके बारे में बता रहे हैं। साथ ही आज हमने अपना एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चक्र शक्ति प्रोग्राम का लॉन्च किया है, जिसके तहत हम इलेक्ट्रिकल ट्राईसाइकिल, इलेक्ट्रिकल बाईसाइकिल के असेंबली, मेंटेनेंस, रिपेयर के बारे में लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। स्कूली छात्रों को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। कई एक्सपेरिमेंट्स और टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशन हो रहे हैं उनके बारे में उनको गाइडेंस और इंस्पिरेशन देने का आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 150 से ज़्यादा छात्र आज हमारे बीच मौजूद रहेंगे और हम आशा करते हैं दैट ये स्टूडेंट्स आगे जाके अपने स्कूल के अंदर और अपने कॉलेज में कोई नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस में काम कर पाएंगे। ये ई बाइसाइकिल बनाने के लिए 3 प्रमुख डिवाइसेस का उपयोग होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, बैटरी और मोटर, BLDC मोटर। इन 3 चीज़ों को इस्तेमाल करके ई बाइसाइकिल हम बना सकते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है इसको CSIR सीरी के वैज्ञानिकों ने CSIR सीरी की लेबोरेटरी में इंडिजिनियसली डेवलप किया हुआ है, और इसको हमारा उद्देश्य ये है कि जो नॉर्मल बाईसाइकिल है उसको ई बाईसाइकिल में कन्वर्ट करके हम लोग गाँव में अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, ओल्ड एज पीपल होते हैं, वर्किंग वुमन होते हैं, उनको हम लोग उपयोग में, उनकी उपयोगिता चलाने में दे सकते हैं। इसका जो कन्वर्ट करने के लिए टाइम जो लगता है लगभग ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आपके पास में डिवाइसेस हैं तो कोई भी अगर ITI कैंडिडेट है या डिप्लोमा किया हुआ कैंडिडेट है इसे 2 या 3 घंटे में बना सकता है।